हेलो गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। गाइस आज का टॉपिक है चिपिंग। चिपिंग क्या होती है और शिप पर चिपिंग क्यों की जाती है। जब जहाज समुद्र पर चलता है तो उसमें जंग लग जाता है, शिप पर जंग लग जाता है और उस जंग को हटाने के लिए चिपिंग किया जाता है। चिपिंग के लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि वायर, जैसे कि चिपिंग गन है, चिपिंग हैमर है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। चिपिंग करने के बाद उस पर वायर ब्रश किया जाता है और फिर प्राइमर मारा जाता है और फिर पेंट किया जाता है। यदि ये सब कुछ नहीं करेंगे तो जहाज पर जंग लग जाएगा और एक दिन जहाज स्क्रैप हो जाएगा, उसके वो सेलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टूल यूज होते हैं। तो ये चिपिंग ग्लव्स हैं, चिपिंग करते समय हाथों में पहनते हैं जिससे हाथ डैमेज नहीं होते। और ये है चिपिंग गॉगल्स, जब चिपिंग करते हैं तो इसे आँखों पर पहनते हैं जिससे आँखें डैमेज नहीं होती, धूल मिट्टी आँखों में नहीं जाती। और यह है चिपिंग गन है, इससे चिपिंग किया जाता है, इसे चिपिंग मशीन कहते हैं और इसी से चिपिंग करते हैं। और ये है वायर बर्स, जब चिपिंग हो जाती है उसके बाद वायर बर्स से उस एरिया को घसा जाता है और क्लीन किया जाता है और उस सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है। और ये प्लग है, एयर प्लग है, जब चिपिंग करते हैं तो इसे कानों में पहना जाता है जिससे चिपिंग मशीन की आवाज़ कानों तक नहीं जाती और पर्दे, जो कान के पर्दे हैं, वो सेफ रहते हैं, डैमेज नहीं होते, क्योंकि चिपिंग मशीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो दिख रहा है एयर होज है और ये जो आगे का भाग है एयर होज का, इसमें चिपिंग गन लगाई जाती है, चिपिंग मशीन इसमें लगाई जाती है और फिर एयर स्टार्ट करके फिर चिपिंग की जाती है। और एयर होज का एक हिस्सा एयर से कनेक्ट किया जाता है, एयर कनेक्शन से यहाँ से एयर आती है जो नीचे इंजन रूम से होते हुए, इससे एयर होते हुए, एयर होज से होते हुए और उस मशीन तक जाती है और फिर चिपिंग करते हैं। जहाज पे इलेक्ट्रिकल चिपिंग गन यूज नहीं कर सकते, स्पार्क होने का डर रहता है। और ये है जो रस्ट होता है जहाज पे, तो ये है, ये पूरे इस एरिया को हमें चिपिंग करना है। और ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सब जगह चिपिंग हो रखी है, मतलब करनी है, ये पूरे एरिया में चिपिंग करनी है। अभी हम यहाँ पे शुरू करेंगे चिपिंग करना। ये इस तरह से चिपिंग करते हैं। ये जो ये रस्ट है, अब इससे चिपिंग मशीन से इस रस्ट को पूरी तरह से हटाएंगे। इस तरह से हटाया जाता है रस्ट। इस प्रकार से पूरे पूरे पीछे के जो एरिया हमें दिया हुआ है चिपिंग करने के लिए, पूरा इस तरह से चिपिंग से उस रस्ट को हटाएंगे और फिर उसके बाद वायर ब्रश मारेंगे। ये देखो, ये पूरी चिपिंग किया है इस एरिया में। ये देखो, इस प्रकार से पूरा रस्ट हटा दिया है और फिर उसके बाद वायर ब्रश मारेंगे। अभी पूरे एरिया में चिपिंग करेंगे, इस प्रकार से पूरी चिपिंग करके फिर वायर ब्रश मारेंगे। और ये पूरा एरिया हमने अभी चिपिंग किया है, पूरा एरिया। ये देखो, इस प्रकार से चिपिंग होती है। तो ये पूरे जितना भी रस्ट था उस सारे रस्ट को हटा दिया। अभी एक बार क्लीन करेंगे, पैर से इसको पूरा साफ करेंगे और फिर देखेंगे कोई चिपिंग रही तो नहीं है। ये पूरा एरिया चिपिंग कर दिया आज मैंने। जितना भी रस्ट था उस सब पूरे रस्ट को हटाया है और अच्छे से चिपिंग किया है। और अभी मैं इस पर वायर ब्रश मारूंगा, पहले इसको क्लीन करूंगा। ये जितना भी डस्ट बिखरा पड़ा है चिपिंग का, ये सारा यहाँ से हटाऊंगा। इस एयर से मैं पूरा एरिया को क्लीन करूंगा, क्योंकि कहीं पे चिपिंग रह नहीं गई हो, मतलब कोई डस्ट वो जंग रह नहीं गया हो। यदि रह गया हो तो वापस चिपिंग करूँगा। ठीक है। इसीलिए पूरे एरिया को एक बार साफ करना पड़ेगा, कहीं जंग रह ना गया हो। शिपिंग फिर यदि रह गई होगी तो फिर वापस दोबारा करनी पड़ेगी। क्यों, क्या होता है शिपिंग करते समय ये डस्ट पूरे में फैल जाता है और फिर पता नहीं चलता कहाँ से डस्ट रहा, सॉरी जंग रहा हुआ है। तो अभी थोड़ा थोड़ा शिपिंग रहा हुआ है तो मैं एक बार वापस करूँगा उस छूटे हुए शिपिंग को। ये देखो डस्ट रह गया, सॉरी ये जो जंग रह जाता है, तो अभी इसको जंग को एक बार फिर से शिपिंग करूँगा। कभी कभी क्या होता है ना, शिपिंग करते हैं ना तो फिर शिपिंग डस्ट में रह जाती है बीच में, तो फिर पहले एक बार शिपिंग सारी करके उसको क्लीन करके फिर देखा जाता है कहाँ पे कोई छुट्टी हुई तो नहीं है। यदि छुट्टी हुई तो है, छुट्टी हुई है तो फिर दोबारा उसे करनी पड़ेगी और पूरा एक बार शिपिंग करके फिर वायरस मारते हैं। फिर मैं बताऊँगा वायरस कैसे मारते हैं। गैस अभी हम वायर ब्रश करेंगे। ये देखो इस प्रकार से चिपिंग किया है, तो अभी हमें वायर ब्रश करना है पूरे एरिया में, जहाँ जहाँ चिपिंग की है वहाँ पे अभी वायर ब्रश मारेंगे। वायर ब्रश क्या होता है कि ये जो चिपिंग किया हुआ है उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन करेगा अंदर से, कहीं डस्ट मतलब कुछ जंग में पार्ट्स रह जाते हैं ना, तो इस वायर ब्रश से पूरा क्लीन होता है और पूरा चिकना कर देते हैं उस एरिए को और फिर उस पर प्राइमर मार के पेंट मारा जाता है। ये देखो फिटिंग सॉरी ये वायर ब्रश मार रहे हैं। और ये वायर ब्रश भी ऐसे नहीं मारा जाता, बहुत ही अच्छे तरीके से मारते हैं। जो सामने जो प्लेट दिख रही है ये पूरी क्लीन होनी चाहिए, इतने तक ये वायर ब्रश मारते रहना है। और ये जो एरिया है पूरा इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो पेंट के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। साइड साइड में पूरा क्लीन करके और एक बराबर करके फिर उस पर वायर ब्रश कंटिन्यू मारते रहना और पूरा ये प्लेट पूरी चिकनी करनी है। गाइस इसको देखो अब कितना चिकना हो गया, ये वायर ब्रश मारने से जैसे कि मक्खन जैसा चिकना हो गया है। ये पूरे एरिया में अभी हमने चिपिंग सॉरी वायर ब्रश मार दिया, जहाँ जहाँ हमने चिपिंग किया था वहाँ पे सारी जगह हमने वायर ब्रश मारा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एयर होल से पूरे एरिया को क्लीन करेंगे। लेकिन थोड़ा भी डस्ट रह ना जाए इसलिए पूरी अच्छी तरह से इस एरिया को हम क्लीन करेंगे एयर और इसकी सहायता से। जहाँ जहाँ चिकन किया हुआ था पूरी तरह से मैंने वायर ब्रश मार दिया है, पूरी तरह से अच्छे से वायर ब्रश मारा है। इस पर कहीं पर भी चिपिंग रही नहीं है। जहाँ पे मैंने वायर ब्रश नहीं मारा है, जहाँ जहाँ वायर चिपिंग किया हुआ है वहाँ सारी जगह वायर ब्रश मार दिया है। अब इसे एयर से पूरी तरह से साफ करेंगे और कहीं पर भी डस्ट ना रह जाए इसलिए पूरा एयर से क्लीन करेंगे अच्छे से और फिर इस पर प्राइमर मारेंगे। जो वायर ब्रश मारा था ना, अभी इस पर प्राइमर मार रहे हैं। ये फर्स्ट कोट है, उसके बाद पेंट मारेंगे। अभी फर्स्ट कोट मारेंगे, सेकंड कोट और मारा जाएगा और फिर उसके बाद पेंट मारेंगे। गाइस देखो, चिपिंग करने के बाद ऐसे पेंट मारते हैं। ये सेकंड फर्स्ट कोट है, पहले चिपिंग किया, फिर वायर ब्रश मारा और फिर इसके ऊपर ये फर्स्ट कोट प्राइमर मारा और फिर कल ये सूख जाएगा तो फिर कल इसके ऊपर सेकंड कोट मारेंगे। ये पूरा देखो ऐसे ये पूरा आप एरिया है और ये पूरा आज प्राइमर और चिपिंग पेंटिंग प्राइमर मारा है। और ये जब इसका सेकेंड कोट भी कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके ऊपर पूरा पेंट मारेंगे ऑरेंज कलर। आज पूरा दिन ये काम किया है। आज भी चल रहा है। आज ये काम पूरा किया है, प्राइमर मारा है और कल इस पर सेकेंड कोट। गाइस ये देखो, जहाँ पे हमने कल चिपिंग की थी, चिपिंग वायर ब्रश पेंट प्राइमर किया था, वहाँ पे आज पेंट मारा है। ये देखो ऐसा दिख रहा है अभी। ओके गाइस, आज मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है पूरा। मैंने चिपिंग, प्राइमर, वायर ब्रश सब कुछ करके पेंट मार दिया है और मेरा वीडियो भी आज कम्प्लीट हो गया है। ये तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। और ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टेक केयर।